इसका नाम मार्टिन है, इंडिया का चैंपियन डॉग है, ऑल इंडिया में चैंपियन मार्टिन है। आज हम आए हैं केनल क्लब ऑफ इंडिया के डॉग शो में, जो देहरादून में हर साल एक ही बार होता है, जो ऑफिशियल शो होता है। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा रहता है डॉग शो। कौन सी ब्रीड है आप थोड़ा बताएंगे? अमेरिकन बुली है। अमेरिकन बुली, एंड इसकी एज क्या होगी? इसकी 2 साल। 2 साल, और ये कितने 2 साल? माइक्रो साइज है। माइक्रो साइज है। एंड इसकी आप केयर कैसे करते हैं, क्या कुछ थोड़ा आइडिया, रफ आइडिया? डाइट है इसकी, 12 अंडे खाता है। 12 अंडे एक दिन में। एंड इसका प्राइस क्या होता है रफली? फूड ये 1.45 लाख। तो भैया क्या नाम है इनका? इनका इसका ब्रैंडी एंड इट्स पेपर। ओके, एंड इनकी एज कितनी है? ये 1 ईयर की हो गई है, वो 2 ईयर्स की है। दोनों फीमेल हैं। एंड इनका थोड़ा रफ आइडिया इनकी प्राइस वगैरह क्या होती है? प्राइस तो एक्चुअली हम सेल तो करते नहीं है, पर फिर भी नहीं, आपने कितने का लिया रफ आइडिया? अराउंड 20,000 के आसपास। 20,000 पर वो पर, पर, okay. पर जाता है। एंड इनको आप डाइट क्या क्या देते हैं? डाइट देते हैं इसमें चिकन हो गया, राइस हो गए, और बेसिक होम फूड बेस्ट रहता है इनके लिए। एंड छोटी ब्रीड्स मतलब खाती तो कम ही है। हाँ, काम खाती है। कितनी बार खाते हैं एक दिन में? 2 टाइम्स। इनफ है एक दिन में? हाँ, इनफ है। ओके, थैंक यू। थोड़ा इसके बारे में बताइए, कौन सी ब्रीड है? ये क्या टॉय पॉम ब्रीड है? टॉय पॉम कल्चर पॉम है ना? नहीं, कल्चर अलग होता है, टॉय पॉम है। ओके, एंड इसकी एज क्या है? इसकी एज अंकल क्या है? 1 ईयर है। ओके, एंड इसकी डाइट वगैरह? डाइट नॉर्मल रहती है, बहुत अलग नॉर्मल 200 ग्राम दिन में। ओके, एंड एक दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 टाइम्स। एंड किस कैटेगरी में जीते? किस कैटेगरी में प्राइज मिला है? प्राइज मेल प्राइज 45,000-50,000 स्टार्टिंग है। बाकी दूसरा वाला है वो दिखाना चाहते हैं? हाँ, ये इसका। ओके, ये और कॉस्टली है। ये कितना कॉस्टली है? हाँ, ये टॉय पॉम है। एंड की एज क्या है? इम्पोर्ट टॉय पॉम है। एज क्या है इनकी? एज है ये 4+ है। 4+। एंड ये वाला? ये 1 ईयर। 1 ईयर ये शो जीते हैं, ट्रॉफीज की है। अच्छा, शो जीते हैं ये। भैया क्या इसकी ब्रीड वगैरह के बारे में कुछ बताइए? ये ग्रेटन है। ओके, इसकी एज क्या है? ये 2 ईयर्स ओल्ड है। 2 ईयर्स ओल्ड है। नाम क्या है इसका? इसका नाम बॉन्ड। ओके, काफ़ी बड़ा है, मीन ग्रेट, इतना बड़ा मैंने देखा नहीं कभी। क्या आपको डाइट क्या देते हैं इसे? इसे डॉग फूड चलता है और चिकन। डॉग फूड एंड चिकन। एंड एक दिन में इसकी कितनी खाता है मतलब? ये अराउंड 1.5 किलो अराउंड खाता है। 1.5 किलो चिकन एक दिन में? काफ़ी अच्छी कर रखी है आपने। थैंक यू। ये केन कोर्सो बहुत फ्रेंडली डॉग है। हाँ। और ये घर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड इसका क्या एज कितनी है इसकी? इसकी 2+ है। 2+ है। एंड इनकी प्राइस क्या होती है स्टार्टिंग में, जिसने आपने लिया होगा? इसका पपी 1 लाख का है। 1 लाख का पपी है। ओके, एंड इसकी डाइट वगैरह क्या है? डाइट तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है डाइट। और मतलब मैंने सुना है केन कोर्सो बहुत एग्रेसिव होते हैं।
नहीं, अगर अगर आप 24 घंटे घर में बांध के रखोगे तो एग्रेसिव होते हैं, वरना नहीं होते। वैसे बहुत फ्रेंडली है, वैसे फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, थैंक यू अंकल। कौन सी ब्रीड है ये? जी कैवलियर किंग चार स्पैनियल है जी। ओके, एंड इसकी एज कितनी है? ये 13 मंथ का है अभी। 13 मंथ का है? हां जी, हां जी। एंड इसकी प्राइस क्या होता है? मैम देखिए, प्राइस स्टार्टिंग होती है 150 के आसपास पपी की। ओके, सो ऑनवर्ड्स फिर आगे बढ़ती है। एंड इसकी डाइट वगैरह का क्या? डाइट में मैम चिकन चलता है, रॉयल केलन डॉग फूड चलता है और मल्टी विटामिन शो होता है। एंड एक दिन में कितना बार खाता है? दो बार जी जी जी। ठीक है, एंड काफी फ्रेंडली एंड प्लेफुल ब्रीड है। वेरी 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 प्लेफुल, वेरी फ्रेंडली ब्रीड है ये। और ओके, थैंक यू। पिकनीज ब्रीड है। okay. और इसका कितना एज, एज कितनी है? इसका 1.5 इयर्स हो। 1.5। एंड इसकी प्राइस वगैरह क्या, स्टार्टिंग प्राइस? प्राइस इसका अराउंड 1 to 1.5 अप्रॉक्स। 1.5। ओके, एंड इसकी डाइट वगैरह क्या है? डाइट बॉयल चिकन विद डॉग फूड, प्रीमियम डॉग फूड। काफी सेंसिटिव ब्रीड है ना, काफी केयर करनी पड़ती है। डेफिनेटली सारे डॉग्स को रिक्वायरमेंट होती है केयर की, ज्यादा होती है जिसके साथ हम यूज्ड टू है इस चीज के लिए। okay. स्पेशल केयर करते हैं इसके लिए। okay. शो के अंदर भी अभी भी ये बैठा हुआ है, इसके नीचे आइस पैक रखा हुआ है। okay. पेट के नीचे आइस पैक है, इसके लिए पोर्टेबल फैन लगाया हुआ है, ये आराम से कंफर्टेबल बैठा हुआ है। काफी गर्मी लगती है, बाल वगैरह ज्यादा लगती है। और आप ग्रूमिंग रोज ही ऐसे करते हैं? डेफिनेटली डेली करना होता है। काफी अच्छी ग्रूमिंग करी, थैंक यू। ये शिरजू है मैम। शिरजू, एंड क्या एज है इसकी? ये 55 डेज की है। 55 डेज की एज, छोटी आप लेके आ गए। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमें भी लगता है कि हम भी देखें कि हमारा बच्चा कैसा है और उनका कैसा दिखता है। बहुत प्यारा है। नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये फीमेल है मैम, ये फीमेल है। एंड इसकी केयर वगैरह कैसे करते हैं मैम? इसकी प्रॉपर, इसकी खाने का, इसको रॉयल कैनियन दिया जाता है, इसकी ग्रूमिंग होती है, सब कुछ प्रॉपर करते हैं, क्योंकि हम ग्रूमिंग भी करते हैं और अपने बच्चों का खुद ख्याल करते हैं। जी, काफी शुभ कर रहा है। ठंड लग रही है? नहीं, ठंड नहीं लग रही, एक्चुअली फर्स्ट टाइम बाहर निकली है। okay. तो वो थोड़ा सा शिवर करते हैं, डरते हैं। okay. इसलिए अब इसको अगर हम ऐसे करेंगे ना, ये बिल्कुल शिवर करना बंद कर देगी। ये देखो, क्यूट है, ऐसे टच कर लूं? हाँ, कर सकती हो। थैंक यू मैम, वेलकम।